गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ, और चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दो जबरदस्त जानकारियां हैं और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है कि आखिर MPPSC में 2019 के इंटरव्यू पर क्यों लगी है रोक, इसका एक बड़ा खुलासा किया जाएगा। और साथ में ही जो इंटरव्यू के लिए पात्र हो चुके हैं अभ्यर्थी, हालांकि उनका इंटरव्यू नहीं हुआ है, वो क्यों कर रहे हैं MPPSC ऑफिस के सामने जाकर के धरना प्रदर्शन, और इससे रिलेटेड क्या दिया है निर्णय हाईकोर्ट ने। दूसरी न्यूज़ है केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक सर्वे पर, एक खुलासे पर, जिसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि OBC वर्ग का एक भी प्रोफेसर नहीं है 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। क्या किया जा रहा है उसके लिए आंदोलन, किस प्रकार से लड़ी जा रही है लड़ाई, पूरी जानकारी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं राज्य सेवा परीक्षा 2019 के संदर्भ में हाईकोर्ट के निर्णय पर। तो दोस्तों देखें आपके राज्य सेवा परीक्षा 2019 यानी MPPSC 2019 के इंटरव्यू पर लगी है रोक, और कोर्ट के निर्णय पर आयोग फिर से घोषित करेगा प्री का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, ये मामला आरक्षण का मामला है। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो अनारक्षित श्रेणी है उसमें नहीं लिया गया था आरक्षित वर्ग के अच्छे अंक वाले विद्यार्थियों को भी, मेरिट लिस्टर को भी। इसकी वजह से जो OBC वर्ग के कैंडिडेट हैं वह काफ़ी कुछ वंचित रह गए थे सिलेक्शन पाने से। चलिए जानते हैं क्या है जानकारी पूरी। देखिए दोस्तों, राज्य सेवा परीक्षा 2019 की एग्जाम क्लियर कर इंटरव्यू का इंतजार कर रहे कैंडिडेट के लिए बुरी खबर सामने आई है। आयोग ने कोर्ट के निर्णय के बाद उनके इंटरव्यू को समाप्त कर दिया है। MPPSC का कहना है कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 के विषय में जो भी अंतरिम आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है उसके परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही की जा रही है, और जब तक प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम कोर्ट के निर्णय के अनुसार घोषित नहीं होता तब तक इसमें आगे कोई भी कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। चलिए दोस्तों, अब कैंडिडेट की स्थिति देख लेते हैं। तो 1918 कैंडिडेट्स को था इंटरव्यू का इंतजार, और चूंकि दोस्तों हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है इस वजह से ये प्रदर्शन कर रहे थे। राज्य सेवा परीक्षा 2019 क्लियर करने के बाद 1918 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू का इंतजार था, मगर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद ही आगे प्रोसेस होगी। हालांकि आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इनके इंटरव्यू नहीं होंगे। अपने इंटरव्यू कराने के लिए इन कैंडिडेट्स ने 12 मई को आयोग का घेराव कर जमीन पर बैठकर मौन प्रदर्शन किया था, और कई स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रहे थे। इनको उम्मीद थी कि वे इंटरव्यू देकर आगे अधिकारी पद पर चयनित होंगे। चलिए दोस्तों, ये तो हुई प्रदर्शन की बात। अब तो हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता। पहले प्री का रिजल्ट, फिर आगे की प्रोसेस। MPPSC इंदौर के OSD डॉक्टर आर पंचभाई का कहना है कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 के विषय में जो भी निर्णय न्यायालय ने दिया है उसके परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही की जा रही है। जब तक 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम न्यायालय के निर्णय के अनुसार घोषित नहीं होता तब तक इसमें कोई भी कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। पहले प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होगा, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस की जाएगी। सीधे तौर पर देखें तो 2019 के इंटरव्यू खत्म हो गए हैं दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट है, और नया परीक्षा परिणाम घोषित होगा, इसके बाद ही आगे की प्रोसेस होगी। इनके इंटरव्यू लेने का अब सवाल ही नहीं उठता है। नए सिरे से होगा रिजल्ट जारी, तो 2019 के प्रारंभिक में जो पास होंगे वे ही कैंडिडेट आगे की प्रोसेस में शामिल होंगे, और उनके लिए मेंस एग्जाम होगी या नहीं होगी यह आगे तय किया जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जो इंटरव्यू है उसको कैंसिल कर दिया गया है और फिर से रिजल्ट घोषित किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम एक बहुत बड़े खुलासे की, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स की नियुक्ति के बारे में काफ़ी कुछ आकलन किया गया है, कुछ सर्वे किया गया है। आइए जानते हैं क्या है। तो हेडलाइन कहती है कि देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में OBC का एक भी प्रोफेसर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर पूरे देश की बात हो रही है। नई दिल्ली से खबर प्रकाशित है कि कई कॉलेजों ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को इसके संबंध में पत्र भी लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो एक लेख के माध्यम से है कि विश्वविद्यालयों में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिले, लंबा समय व्यतीत हो गया है, लेकिन पिछड़े वर्ग का आज भी एक भी प्रोफेसर के पद पर शिक्षक नहीं है। देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर पिछड़े वर्ग का 0 प्रतिनिधित्व है। अगर बात एसोसिएट प्रोफेसर की करें तो यहाँ भी पिछड़ों का 0 प्रतिनिधित्व भी है।
असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी 15.85% ही नियुक्त हो सके हैं, जबकि पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व 27% होना चाहिए। वहीं अगर कुल तीनों प्रोफेसर की बात करें मिलाकर के, तो पिछले वर्ग को अभी तक केवल 10.25% की ही भागीदारी मिल पाई है। देश के कुल 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक सर्वे कहता है कि 17,869 पद हैं, जिनमें पिछड़े वर्ग की केवल 1,141 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ही भागीदारी मिल सकी है, ना कि एसोसिएट्स और प्रोफेसर के पद पर। इसी को लेकर विजेंद्र कुमार अंबेडकर कॉलेज, चमन सिंह आचार्य नरेंद्रदेव कॉलेज, अशोक कुमार यादव श्यामलाल कॉलेज में तैनात लोगों ने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की कि इतने सालों के बाद भी इस वर्ग के साथ न्याय क्यों नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि अभी तक आरक्षण पूरा मिल भी नहीं पाया और समीक्षा शुरू हो गई, जो थोड़े बहुत लोग मुख्यधारा में आ भी पाए हैं। सुनने में आ रही है कि सरकार क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाकर उसे भी बंद करना चाहती है। जब तक पूरा कोटा ना मिल जाए, इस तरह की बात करना बेमानी होगी, तब तक पिछड़े वर्ग को न्याय नहीं मिल जाता, सभी की लड़ाई जारी रहने वाली है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाई। सबसे महत्वपूर्ण था कि MPPSC 2019 के इंटरव्यू पर लगी रोक, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया फैसला। वहीं पर 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नहीं है OBC का एक भी प्रोफेसर। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है लगातार। मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है कि 27% आरक्षण तो यहाँ पर रोक ही दिया गया है। हालांकि ये केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 27% लागू जरूर है, लेकिन वहाँ पर भी OBC के कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।